बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अलख जगाने के लिए मगध लाइव की टीम विद्यालय में जाकर शिक्षा के प्रति सच्चाई दिखाने का कार्य कर रही है। अभी हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय मायापुर में। यह विद्यालय गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में है और एकदम गया सड़क मार्ग के पास में स्थित है। अभी इस स्कूल का अगर परिसर की हम बात करें तो सबसे पहले आप कैमरामैन हमारे साथ आ जाएंगे। शौचालय की स्थिति सबसे बड़ी गड़बड़ है, जहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देश को स्वच्छ करने की बात कही जा रही है, वहाँ पे ये शौचालय खराब होना सबसे बड़ा सवाल है एक विद्या के मंदिर में। दूसरी बात है कि यहाँ गंदगी का अंबार है। हालांकि विद्यालय कल ही खुला है, लगातार 3 या 4 दिन से शायद बकरीद पर्व को लेकर बंद था। तो ये गंदगी किस कारण से है, यहाँ के प्रधानाध्यापक से बातचीत की जाएगी। और सफाई के मामले में अगर हम 100 में से 10 नंबर इसको दे पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि साफ़ सफाई का स्तर जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। शौचालय का दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, किस कारण से टूटा हुआ है इस बारे में भी प्रधानाध्यापक से बातचीत की जाएगी। यहाँ पे क्लास चल रहा है, कार्यालय है, कार्यालय में प्रधानाध्यापक से बातचीत की जाएगी। स्कूल का यही दृश्य है, इधर भी एक क्लास चल रहा है, ये एक नया भवन बना हुआ है, नया भवन में क्लास चल रहा है। हालांकि बाउंड्री भी की हुई है विद्यालय में। मैं एक मिनट सर, बढ़िया जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मैं यदुनंदन प्रसाद जी, यहाँ का प्रभार के पद पर हम सर नियुक्त हैं जी। सर पहला सवाल है, यहाँ के गांव वालों का आरोप है कि आज यहाँ बच्चों के लिए भोजन नहीं बन रहा है, क्या कारण है सर? हाँ जी, इसके लिए तो हम सर यहाँ दो रसोईया कार्यरत थी जी जी, एक रसोईया एक्सपायर कर गई जी जी, और एक रसोईया अभी हार्ट का बीमारी उसको हो गया है। अच्छा। वो अभय नारायण से यहाँ से इलाज चल रहा है, अभी आ करके सूचना दे के हमको गई। और इसके लिए हमने विभाग को भी सर कई एक बार रिटर्न हम दे चुके हैं, इसका रिसीविंग है यहाँ पे, आप दिखा देंगे कि 21/12/21 को सर जी ये सूचना दिया गया था कि यहाँ एक रसोईया की मृत्यु हुई है जी। और एक रसोईया बराबर बीमार रहती है, तो नया रसोईया का जो है यहाँ पे चयनित करने के लिए जो है आदेश किया जाए, है ना? लेकिन अभी तक अधिकारी को संज्ञान नहीं लिया। नहीं, आज हम फिर व्हाट्सअप किए थे, नए पदाधिकारी हैं, MDM आए हैं, वो बोले कि हम सोमवार को आएंगे, तो सोमवार को आप रिटर्न लेके आइए, जिसका हमने रिटर्न तो बात की बात है, आज हमने इसका फोटो उसका व्हाट्सअप पर उनके भेज चुके हैं सर। अच्छा ठीक सर, दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे भी हम देख रहे थे तो काफ़ी गंदगी है विद्यालय में, कुछ कूड़ा जमा है वहाँ पर, तो क्यों है सर, कब तक सफाई जी सर? इसका सफाई तो हम डेली करते हैं सर। अच्छा। और करवाते भी हैं लेकर के, लेकिन कुछ आज कुछ हवा हवा भी रनिंग से चल रहा है, इसके पत्ता से झड़ करके कुछ इधर उधर इतर इतर हो गया है, लेकिन उसको हम साफ करके सर एकांत में करके और आग लगा के जलवा देते हैं, उसको देख सकते हैं सर। अच्छा, गाँव वालों का यह भी यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है सर कि यहाँ, अच्छा गांव वालों को छोड़ दी, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि शौचालय का दरवाज़ा टूटा हुआ है, शौचालय की स्थिति सही नहीं है जी। इसके लिए तो हम कई एक बार पूर्व पदाधिकारी के सक्षम में यहाँ का जो वार्ड सदस्य हैं नरेश सिंह, इनकी अध्यक्षता में हम सर इसका निर्माण करवाए थे। अच्छा। निर्माण करने के बाद में 6 महीना के अंदर जैसे चुनाव था, ग्रामीणों द्वारा सर लाठी से उसको तोड़ दिया गया, ताला तोड़ करके सर। क्यों अब पता नहीं सर, तो अज्ञात हम लोग तो आए नहीं, जब स्कूल खोले तो देखे कि तोड़ा हुआ है, तो ग्रामीण को हम 2-4 दस लोगों को बुलाए कि भाई इस तरह से रवैया कीजिएगा तो कैसे मेरा विद्यालय जो है से चलेगा, या आपका विद्यालय है, मतलब अगर साफ तौर पे देखा जाए तो ग्रामीणों से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है जी? नहीं, ग्रामीण अगर सहयोग करे तो बहुत अच्छा सर, हम लोग और डेवलप, जबकि फायदा ग्रामीण को ही है, ग्रामीण के बच्चे ही, गांव वाले के बच्चे यहां पढ़ते हैं जी, इसके बावजूद सपोर्ट नहीं करते जी। नहीं, उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं सर, कुछ लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग बिगाड़ने में लगे, वैसे लोग जो बिगाड़ने में लगे हैं, जो शिक्षा का स्तर इस गांव में नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या करना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को तो हम तो कहना चाहेंगे सर कि ऐसे लोग के थोड़ा सा सहयोग आना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, मेरे साथ में वर्ग अगर किसी के में से समस्या है तो आ करके बैठ करके बताना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग होता है सर? जी हाँ, पेरेंट्स मीटिंग होता है, लोग आते हैं जी? हाँ, कुछ लोग आते हैं जी, महिला लोग भी आती हैं, कुछ लोग गार्जियन भी आते हैं जी। चलिए ठीक है सर, बाकी हम क्लास का ये देख लेते हैं। बच्चों की उपस्थिति कैसी है? जी बच्चों की उपस्थिति भी ठीक है सर, 60-70% की उपस्थिति आ जाता है सर जी। ठीक है सर, आप बैठिए, हम देख लेते हैं, आ जाएंगे हमारे साथ थोड़ा कैमरा मैन। मैं कैमरा मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। क्या पढ़ा रही हैं मैडम आप? अपोजिट वर्ड। अच्छा, अपोजिट वर्ड। चलिए, अपोजिट वर्ड, कौन से क्लास के बच्चे हैं मैडम? 3, 4, 5। इंग्लिश पढ़ाती हैं या फिर और कुछ पढ़ाती हैं? नहीं, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं, 4, 5 के बच्चे हैं ना। अच्छा, ये बच्चे बता देंगे क्या अपोजिट अभी पूछेंगे तो बता देंगे। हम किस बच्चे के पास जाएं आप ही बताइए, इसके पास इसके पास आ जाएं। क्या नाम हुआ?
माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। खड़ा हो जाओ, क्या नाम है? माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। चलिए, बहुत अच्छा इंग्लिश में बात कर रही है। बहुत कम ही ऐसा देखते हैं कि चौथा और पांचवे के बच्चे वही सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी में अपना परिचय दें। अच्छा, ये अपोजिट वर्ड मैडम बता रही हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? मैन। उसका क्या होगा अपोजिट वर्ड? वुमन। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, फादर का उल्टा क्या होगा? मदर। मदर, चलिए बहुत अच्छा। और कौन कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट है मैडम आपके नज़र में? ये भी है। खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम हुआ? शिवानी कुमारी। आप इधर आ जाएंगे, थोड़ा बोर्ड पर कहीं देखा जाएगा। अच्छा, ये अप लिखा हुआ है, अप का अपोजिट क्या होगा? भूल गई। चलिए, अच्छा आप बताइए डे का अपोजिट क्या होगा? नहीं, अभी लिखा ही रहे हैं मैडम, पहले भी बताए हैं। हाँ मैडम, बताइए इसको डे का अपोजिट क्या होगा, बता दीजिए। डे का क्या होगा? नाइट। चलिए, नाइट होगा, यानी दिन है तो उसका अपोजिट रात हो जाएगा। ठीक है, कौन से क्लास में हैं आप? थ्री क्लास। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैथ। मैथ पढ़ रहे हैं, मैडम तो अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। चलिए इधर आ जाएंगे। कुछ बच्चे मैडम ड्रेस में दिख रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रेस में नहीं हैं, ऐसा क्यों? ड्रेस अभी वो लोग नहीं लिए हैं। अच्छा, पैसा तो सबको मिला होगा ना? हाँ, तो बोले हैं लेने का, ले लेंगे ड्रेस। आप लोग जिसको इसको पैसा मिला है आप सभी ड्रेस ले लीजिएगा। देखिए, एक बेंच पे इधर चार पांच लोग बैठी हुई है। क्या नाम हुआ? माय नेम इज राखी कुमारी। चलिए बहुत अच्छा, बैक बेंचर है ये, पीछे बैठ के अंग्रेजी बोल रही है, बहुत अच्छा। क्या पढ़ रही हैं? इंग्लिश पढ़ रही हैं। यस सर। अच्छा, जनवरी फरवरी पढ़ती हैं? यस सर। अच्छा, ए फोर क्या होता है? नहीं पता। देखिए, इतना छोटा सा सवाल में फंस जा रही हैं। क्या नाम है? नाम बता, नाम क्या है? काफ़ी पिछड़े इलाके से ये लोग हैं, सही से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा यहाँ की शिक्षिका से कि थोड़ा इस बात पे ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे अच्छे से बातचीत कर पाएँ, अपना इंट्रोडक्शन दे पाएँ। क्या नाम हुआ? माय नेम इज अमर कुमार। ये देखिए, कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन नॉर्मल रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से क्लास में हो? थ्री क्लास में। क्या पढ़ रहे हो अभी? इंग्लिश। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ पाओगे इसको? अच्छा, वर्ड क्या क्या है, ये वर्ड पढ़ो। लेटर जो लिखा हुआ है क्या है? ए बी सी, क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है ये? सी। इधर आ जाएंगे कैमरा मैन। सी के बाद क्या है? ओ। फिर डबल एम। फिर ओ। ओ फिर एन। क्या हो गया? कॉमन। कॉमन। और क्या पढ़ते हो? जनवरी फरवरी जानते हो? यस सर। जानते हो? ए फोर क्या होता है? एप्पल। बी फोर बॉल। सी फोर कार। डी फोर डॉग। ई फोर एलिफेंट। एफ फोर फ्लाइंग। जी फोर जिराफ। जी फोर जिराफ। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छे बच्चे हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ बच्चे हैं जो भूल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा मैडम, प्रयास करते रहिए। कुछ अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग है? yes, आप ये सीटेड क्वालिफाइड हैं क्या? yes, अरे तो आप लोग के भरोसे तो पूरा विद्यालय है। पहले के शिक्षक तो चलिए वो भी ठीक थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग के भरोसे पूरे जिम्मेवारी दी गई है कि अच्छा कीजिए, और आप लोग अच्छा पढ़ा भी रही हैं। क्या उम्मीद करती है यहाँ की जनता आपसे कि आप बेहतर कर पाएंगे मैडम? यस सर, हम बेहतर करने के लिए ही आए हैं हम लोग यहाँ पे। प्रतिदिन विद्यालय आते हैं ना? यस सर, प्रतिदिन। बच्चों के साथ कैसा संबंध है? अच्छा संबंध है। जैसे हमसे कुछ बच्चे बात नहीं कर पा रहे, हमसे कनेक्ट ही रहते हैं। कनेक्ट है ना? जैसे हमसे कुछ बच्चे भी बात नहीं कर पा रहे, तो आपसे कर लेते, करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं ना। चलिए, मैकमिन सर, कौन से क्लास के बच्चे हैं सर? वन टू है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार आना। अच्छा, राकेश कुमार नाम हुआ, वन टू है जी। क्या पढ़ा रहे हैं? जोड़ दिए हैं गणित। अच्छा, अभी मैथ बता रहे हैं बच्चों को? हाँ सर, जोड़ दिए हैं। वन और टू क्लास के बच्चे हैं? वन टू। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं बच्चों को? इंग्लिश भी जैसे ए फोर एप्पल, बी फोर बाय, ये सब? हाँ ये सब बताते बताते हैं ना। चलिए अच्छा, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे आपका तेज है, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा हो, कोई लगता है आपकी नज़र में जो पढ़ने में काफ़ी टैलेंट है? चलिए वहाँ पे मैडम पता नहीं क्या बता रही है, आ जाएंगे थोड़ा इधर। क्या पढ़ रहा है ये बच्चा, क्या नाम हुआ आपका? रीता कुमारी सर। क्या पढ़ा रहे हैं आप? वन टू पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वन टू पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, वन टू क्लास के बच्चे हैं ना ये? हाँ, छोटा बच्चा है सर। छोटा बच्चा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सब पढ़ा है सब? अभी छोटा छोटा बच्चा है सर, ये सब क्लास के बच्चा ये सब नहीं पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा। दूसरे क्लास का बच्चा कौन है? दूसरे क्लास का बच्चा आप इधर आइए सर। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। डरना नहीं, इधर आ जाओ। ए फोर एप्पल, बी फोर बाय, ये सब पढ़े हो? ए फोर एप्पल, बी फोर बाय नहीं पढ़े हो तुम? एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है? नहीं जानते सर।
नहीं जानते हो। एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है मैडम? ए डबल पी एल ई। समझ में आया एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। बच्चा गांव के बच्चा है, इधर उधर चल जाता है बाहर कमाने माता पिता के साथ। अच्छा, और दूसरे क्लास का कौन सा बच्चा है? ए फोर एप्पल तो मैडम सुन बता दी कि ए फोर एप्पल। अच्छा जी फोर क्या होगा? बॉल। जी बी नहीं जी। बी फोर बॉल, सी फोर कैट, डी फोर डॉग, जी फोर बताइए सर, इधर आइए। जी फोर बताइए क्या होगा? गर्ल। जी फोर गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। तो तुम क्या हो? लड़की। तो लड़की गर्ल हो ना। चलो ये सब पढ़ा करो। जनवरी फरवरी पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चों को? जनवरी फरवरी पढ़ता है? और जनवरी फरवरी लिख दीजिए आप, जनवरी और फरवरी इंग्लिश में लिख दीजिए। हाँ जनवरी लिख दीजिए, देख लीजिए आप लोग। मैडम लिख रही हैं, सीख लीजिए। क्या लिखी है पढ़ के बोल दीजिए। जे एन यू ए आर वाई। जे ए एन यू ए आर वाई। जनवरी। चलिए यहाँ फरवरी लिख दीजिए। बोर्ड ब्लैक बोर्ड भी सही नहीं है। ब्लैक अच्छा लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक बोर्ड सही होना चाहिए, बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ही अच्छे से पढ़ पाते हैं। चलिए क्या लिखे बता दीजिए। ए पी बी आर यू ए आर वाई। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये शिक्षिका है क्या है ये? टोला सेवक। अच्छा आप टोला सेवक हैं? जी सर। चलिए ये बोला जाए तो शिक्षा सेवक हैं और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी रखती हैं और अच्छे तरीके से। थोड़ा ये यहाँ पे लगता है जे ए एन यू ए यू गलत गड़बड़ा गया है। नहीं ये बोर्ड ये है। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास है। लेकिन इस क्लास के कुछ ऐसे बच्चे हैं मैडम, सर आप शिक्षक हैं ना, आप आ जाइए थोड़ा आगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लियर नहीं बता पाते हैं, बात करने में उनको हेजिटेशन होती है, तो ये आपके ही बच्चे हैं, इनको बेहतर तरीके से आप बताएं, पढ़ाएं ताकि अच्छा कर पाएं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि अब बच्चे इतने छोटे हैं, अब ए फोर एप्पल, बी फोर वाई, ये सब तो कम से कम इनको सीखना चाहिए, है ना। चलिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और एक शिक्षा सेवक होते हुए भी काफ़ी अच्छा बता पा रही है। हाँ चलिए तो इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इस विद्यालय की स्थिति अगर देखा जाए तो शिक्षा के मामले में काफ़ी ठीक है। कुछ अगर इसमें गड़बड़ है तो सिर्फ साफ़ सफाई का, तो प्रधानाध्यापक ने साफ तौर पर कहा कि इस विद्यालय की साफ़ सफाई की जाएगी। चलिए इस मामले में ग्रामीणों की क्या शिकायत है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। बिल्डिंग का कबाड़ के आप घर लेकर जाइएगा, कबाड़ के लिए भागा कि नहीं? तो गांव वाला गलती नहीं है? मास्टर क्या करेगा? अच्छा तो गांव वाला गलती है कि नहीं? अच्छा गांव वाला का भी गलती है कि नहीं? है नहीं, बहुत गलती है। ये आपका विद्यालय है, आपका दायित्व तो बनता है कि इसका सुरक्षा करे और सब कुछ देखे। सब कुछ बनता है, मानते हैं कि करने का मतलब है भागता है, करेगा ये गलती। ये पहली गलती ये ग्रामीणों की है कि चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती है कि प्रधानाध्यापक इस बात का ध्यान रखेंगे लेकिन ऊपर से कोई बहाली गार्ड का है नहीं कि गार्ड यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बहाली नहीं है लेकिन सरकार की गलती है, सरकार की गलती है। नहीं है किसे? हाँ सरकार की गलती है। क्या नाम हुआ आपका? बंटू कुमार। अच्छा क्या समस्या है? अच्छा आपके घर के बच्चे कोई पढ़ते हैं कि नहीं? जी हाँ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, क्या समस्या है बताइए? समस्या यही है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कैसा व्यवस्था आप खोज रहे हैं? बाथरूम नहीं है। अच्छा, और यहाँ खेलने कूदने का जितना भी बच्चा लोग को सामान था, हल्का मानते हैं कि कवर गया तो उसको गड़वाना चाहिए, लेकिन वो सब अंदर कवर के रख दिए हैं। अच्छा, और साफ सफाई देखिए। अच्छा एक बात हमको, ऐसा साफ सफाई तो अभी हम देख लिए, प्रधानाध्यापक बोले कि कल हम पूरा साफ सफाई करवा देंगे, स्कूल 3 दिन से बंद था इसलिए पूरा सफाई नहीं हो पाई। दूसरी बात ये है कि जो शौचालय भी हम देख रहे हैं कि उसका गेट टूटा हुआ है। जी जी। तो इस बारे में जब हम प्रधानाध्यापक से बात करें पता चला कि ग्रामीण के द्वारा तोड़ दिया गया। क्या सच्चाई? ऐसा काम कीजिए उसको देखा जाए और देख के बताइए कि रहने लायक है कि नहीं रहने लायक। तो टूटा हुआ है तो पूरा गंदगी उसमें भरा हुआ है, उसमें एकदम वो समझिए कि लगाने लायक था ही नहीं। अच्छा जो प्रधानाध्यापक ने जो ये बात बताई कि ग्रामीण के द्वारा तोड़ दिया गया, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई कुछ हवा से भी तो टूट जा सकता है। हवा से कैसे टूटेगा? लड़का बुत लटा का कोई देखने वाला है नहीं, और मास्टर का 24 घंटे रहने का है नहीं। यहाँ पे भी हम लोग रहते हैं। और शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा यहाँ पे कुछ नहीं है। जी नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है? कुछ नहीं हो पाती है। पेरेंट्स मीटिंग होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा इस मामले पर कभी आप प्रधानाध्यापक से मिले कि नहीं मिले? हाँ हम लोग मिले कि सर ये देखिए स्कूल ऐसे है वैसे है,
तो इसमें कुछ लाइए फंड जो मैनपुर का विकास हो, बिल्कुल स्कूल का बच्चा पढ़े ढंग से रहे। सर कहते हैं कोई फंड भी नहीं आता है। अच्छा, तो अभी वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अधिकारियों से इस मामले में बात हुई थी कि लगभग 2 साल से कोई फंड नहीं आ रहा है, लेकिन हालांकि इसमें सरकार की भी गलती है। सरकार को एक विद्यालय को अच्छा स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं फंड की जरूरत पड़ती है, तो सरकार को पैसा देना चाहिए, है ना? हाँ, देना चाहिए, लेकिन सरकार नियम क्या बनता है कि एक खाना बनाने वाली हो, एक साफ सफाई वाला हो। बताइए, इतना आदमी है, उनको नहीं कुछ मिल सकता है? स्कूल के द्वारा तो मिल सकता है कुछ, क्या जैसे में रहने वाला का कोई भी 1000-2000 करके, उसके बाद सफाई वाला हो। यहाँ फूल पौधा कुछ नहीं है, आप देखिए तो चल के। ये तो सारा चीज़ देख लिए हैं, ये आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कम से कम हरियाली को दर्शाने के लिए फूल पत्ती का व्यवस्था होना चाहिए और विद्यालय है वो स्वच्छ होना चाहिए। चापाकल पानी सब चीज़ है, बगल में देखिए तपर भी लगता है, बकरी खाना है। चलिए, धन्यवाद।